हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ और आज कॉडा कुशाक के इंटीरियर के ऑफिशियल स्केचेस अनवील कर दिए गए कंपनी की तरफ से। ये कोई लीक्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। और आज की इस वीडियो में मैं कुशाक के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। क्रेटा सेल्टोस के राइवल, उनको बचने की ज़रूरत है। और 18 मार्च को इस गाड़ी को अनवील किया जाएगा और साथ ही इंडिया में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। और इस बार स्कॉडा की गाड़ी महंगी नहीं होने वाली है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले पुरानी गाड़ी सेल करना चाहते कार 24 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बेस्ट वैल्यू जाने अभी के अभी। स्कॉडा कुशाक इसके बारे में बता देता हूं। 18 मार्च को इस गाड़ी को अनवील किया जाएगा ग्लोबली। विजन IN के नाम पे आप इसको ऑलरेडी जानते हैं, वो कॉन्सेप्ट मॉडल था, ये अब एक प्रोडक्शन मॉडल होगा 18 मार्च को जो आएगा। एंड उसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपटीशन देने वाली है क्रेटा एंड सेल्टोस को मेजरली साइज के हिसाब से, इंजन के हिसाब से, पावर ट्रेन के हिसाब से और उसके साथ साथ ट्रांसमिशन और फीचर्स के हिसाब से भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली स्कॉडा की गाड़ियों में क्या होता है कि फीचर्स मार्केट वाले नहीं होते हैं, लेकिन इस बार इसके साथ यानी कि कुशाक के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। अपडेटेड फीचर्स होंगे, इंटीरियर बहुत ही सेक्सी होगा, कनेक्टिविटी वाले सारे ऑप्शन होंगे, पैनोरामिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, वायरलेस आपको चार्जर मिलेगा, कीलेस एंट्री वाला आपको सिस्टम मिल जाएगा कनेक्टेड टेक में, जैसे आपको बता चुका हूँ। और उसके साथ साथ एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह वाले फीचर्स भी मिलेंगे। कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि आपको क्रेटा सेल्टोस में नहीं मिलेंगे, जो इसमें मिलेंगे वो है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, पूरा का पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यानी कि स्कॉडा का डिजिटल कॉकपिट। दैट्स रियली रियली गुड। किसी भी तरह का कोई एनालॉग वाला नहीं होगा। ऑफकोर्स इन द टॉप मॉडल सारा का सारा कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन होगी, और जो टच स्क्रीन आपको मिल जाती है इन्फोटेनमेंट वाली, वो भी 10 इंचेस के आसपास होगी, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस वाले होंगे मोस्ट प्रोबेबली। एंड उसके अलावा सारी तरीके की कनेक्टेड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, नेविगेशन से लेकर वॉइस कमांड से लेकर एक एक चीज़। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ जो गाड़ी को स्पेशल बनाती है। अब क्यों ये गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होगी, बिकॉज ये इंडियन प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स हैवीली लोकलाइज्ड किए गए हैं, ताकि इस कंपनी की जो गाड़ी की जो कॉस्ट है वो कंपनी कम से कम रख सके। कम से कम मतलब ऐसा नहीं कहता कि क्रेटा से भी सस्ती हो जाएगी, लेकिन फीचर्स ज़्यादा, एक ब्रांड थोड़ा सा बेटर, कंपनी बेटर, और उसके साथ साथ सेफ्टी को बेटर रखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं 11 लाख से लेकर 17 लाख, 18 लाख एक्स शोरूम प्राइस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। बताना चाहूँगा इसमें डीजल इंजन नहीं आने वाला है, पेट्रोल ऑप्शन होंगे दो, 1 लीटर का TSI इंजन और 1.5 लीटर का TSI इंजन। 1 लीटर का TSI इंजन होगा टॉक कन्वर्टर के साथ, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और मैं आपको जनरेट करके देगा 110 BHP की पावर। थोड़ी सी कम ज़रूर लगती है एट अ साइज लाइक दिस, बट स्कॉडा का इंजन है, पावर आपको कम नहीं लगने वाली। और हो सकता है कि आपको 1.5 वाली तरफ ना ही जाना पड़े, 1 लीटर में ही आपका काम हो जाए, बिकॉज 1.5 वाले की प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन एंड ऑफकोर्स द इंजन साइज। 1.5 वाले की पावर वी आर नॉट 100% श्योर, बट वही 150 HP ही होने वाली है। आई डोंट थिंक सो रीट्यून या रीट्यून किया जाएगा कमियाँ बढ़ाने के लिए, ऑलरेडी उनकी काफ़ी गाड़ियों में आता है। और सेम ये प्लेटफॉर्म इंजन जो है वो टाइगन, फॉक्स वैगन की टाइगन में भी यूज़ होगा, लेकिन टाइगन अभी थोड़ा सा दूर है, कुशाक पहले आ रही है। एंड मेरी काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि स्कॉडा बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट लेके आ रही है कम प्राइस में, और लोग इसकी तरफ डेफिनेटली जाना चाहेंगे। रही बात स्कॉडा की सर्विस कॉस्ट को लेकर, तो अच्छे से कैलकुलेट आपको तब भी करके बताऊंगा, अभी भी एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि इनकी सर्विसिंग होती 15,000 किलोमीटर पर, 10,000 पे नहीं, तो उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट ज़रूर कर ले। प्लस आपको मिल जाती है यहाँ पर अच्छी खासी सेफ्टी, एक ब्रांड प्रॉपर मिल जाता है, एंड जहाँ पर इंसान की जान की कीमत है थोड़ी सी, तो सेफ्टी रेटिंग में वहाँ डेफिनेटली 5 स्टार मिलेंगे इसको, आई एम श्योर। इंटीरियर जो स्केचेज आए हैं इसमें बहुत चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, जैसे कि एक ऑरेंज एसेंट वाला डिज़ाइन, ठीक है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है विद मल्टी फंक्शनल, ऑफकोर्स आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, लेकिन जो 2-स्पोक डिज़ाइन है ना वो बहुत ही सेक्सी लग रहा है, दिस इज़ व्हाट आई फील। बाकी भी आपको काफ़ी पॉइंटी एजी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन मिलने वाले, चाहे वो AC विंड्स हो, चाहे वो डोर पैनल्स हो, चाहे वो सेंट्रल कंसोल हो, सब कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न लुक वाला मिलेगा फॉर श्योर। एंड स्टोरेज ऑप्शंस आपको काफ़ी मिल रही हैं, ग्लव बॉक्स के पास भी, नीचे भी आपको मिल जाएंगी, एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको स्केचेस देख के समझ आ जाएंगी। 5-सीटर SUV कंप्लीट रहने वाली है और आपको अच्छी खासी स्पेस मिलेगी। साइज़ हम जो कह रहे हैं क्रेटा सेल्टोस जितना या थोड़ा थोड़ा छोटा ही होगा, एग्जैक्ट डिमेंशन वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, लेकिन उससे बड़ी नहीं होने वाली। तो ये था स्कॉडा कुशाक के बारे में लेटेस्ट अपडेट, बहुत जल्द उसके वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आऊँगा, तो चैनल पर बने रहिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।